व्यवस्था का, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, उस सामंतवादी व्यवस्था का, जो एक तरह से हमारे हर चीजों को हम लोग जैसा बताते हैं आपको कि हम भगत सिंह छात्र मोर्चा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है छात्रों के विभिन्न मुद्दों पे संघर्ष करता है, उनके मुद्दों के लिए लड़ता है। जैसा कि पता होगा आपको पिछले एक सालों से हमारे विश्वविद्यालय में कई मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। इस बीच कर्मचारियों के आंदोलन, शिक्षकों के आंदोलन और छात्रों के, इन तीनों के आंदोलन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक लाइब्रेरी को 24 घंटे खोलने को लेकर एक आंदोलन किया था, और जैसा कि मालूम हो कि इसके पहले भी वो लाइब्रेरी 24 घंटे खुलती थी, और हमारे ये नई विषय साहब जब से आए हैं तब से ये लाइब्रेरी बंद हो गई है, और इसको 24 घंटे खोलने के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने उनके पास ज्ञापन दिया, और वो उससे नहीं माने तो फिर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया, जिसपे हम लोगों को उठा के 2 दिन जेल में रखा गया, और उसके बाद हमारे 9 साथियों को निलंबित कर दिया गया। और इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ अन्य कई मुकदमे लाद दिए गए, जैसे BHU के बाहर जो मारपीट भी होते हैं उसमें 307 के मुकदमे लाद कर और उनको पूरी तरीके से विश्वविद्यालय में आने के रास्ते बंद कर दिए गए। तो एक उस मामले को लेकर, मतलब वो निलंबन जो हुआ है उसको वापस लेने को लेकर हम लोगों ने ये मार्च निकाला है। इसके साथ ही कहने के तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और महिला दिवस अभी आने वाला है, 8 दिनों बाद ही है, तो हम लोग महिला दिवस के महीने में चल रहे हैं। बावजूद इसके हम देख सकते हैं दुर्भाग्य इस विश्वविद्यालय का, जहाँ पे महिलाओं को लेकर इतना सारा भेदभाव है। एक तरफ लड़कों को 24 घंटे खोलने की आज़ादी है, वहीं लड़कियों को 7:30 और 8 बजे तक अपने जेलों में ठूस दिया जाता है। दूसरी तरफ उनको वाईफाई उपलब्ध नहीं किया जाता है। तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कई मामलों में, जैसे उनको उनके खाने पर कंट्रोल किया जाता है, उनको नॉनवेज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, उनको 10 बजे के बाद फ़ोन चलाने की अनुमति नहीं है, और ये तमाम मुद्दे हैं। उनको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले एफिडेविट भी साइन कराया जाता है कि आपको किसी धरना प्रदर्शन और किसी भी मूवमेंट में भाग नहीं लेना। कि ये जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं, और हम चूँकि हम विश्वविद्यालय के पास कई बार जा चुके हैं, और वो इस बात को साफ नकारता है कि हम किसी भी तरह के इस तरह की आज़ादी आपको नहीं देने वाले हैं, इसको लेकर हम आज प्रतिरोध मार्च और जनता के बीच यहाँ पे आप लोगों के साथ उपस्थित हैं, और यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, और ये लड़ाई हम खासकर इस महीने में मार्च में इसलिए शुरू किए हैं कि आज जब पूरा का पूरा विश्व एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है, नारी सशक्तिकरण और तमाम बातें हो रही हैं, ऐसे में हमारे एक प्रबुद्ध कहे जाने वाले विश्वविद्यालय का हालत क्या है आप देख सकते हैं, और इसके खिलाफ़ हमारी ये लड़ाई है जो आगे जारी रहेगी।